अभी तक मैंने काम नहीं किया तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। हाँ जरूर जरूर डेफिनेटली उन लोगों से भी मेरा, जैसे कि मैं सीसीएल में गई थी जयपुर वाला में, तो उसमें मैं दिनेश लाल जी से भी मिले, तो अमरपाली दुबे से भी मिले, तो है मतलब इच्छा तो है कि सबके साथ काम करे। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप निभाना चाहती हो? पुलिस, मुझे पुलिस का कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब भी रास्ते से जाती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उन लोगों का जो पावर होता है ना, मुझे लगता है काश वो पावर मुझे मिल जाए। तो पुलिस का कैरेक्टर मैं ज़रूर निभाना चाहती हूँ कोई भी फिल्म में, और मार धोड़। अगर आपकी बात करें तो कैसे आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, आप कोलकाता से, क्या बचपन का ड्रीम था एक्ट्रेस बनने का, मॉडल, या कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डीप करेंगे? छोटा सा स्टोरी मैं बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी और मेरे सामने फर्स्ट टाइम टीवी आया, वो जो छोटा छोटा टीवी तब होता था, तो अचानक मैं देख रही हूँ, हाँ तो मैं देखती थी कि ऐसे पिक्चर में गाना चल रहा है, मुझे गाना वो भी याद है, बेबी 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 मुझे लोग क्यों बोले, तो वो गाना चल रहा था और मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी इतने सारे लड़के इसके अंदर छोटा सा बॉक्स के अंदर कैसे घुस गए, तो मम्मी ने बोला वो पीछे से चलाया था। और मैं सच में इतना बुद्धू थी, और टीवी के पीछे से मैं हाथ दे के ऐसे दिख रही हूँ कि अरे मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है, तो इतना सारे लोग कैसे अंदर चले गए। तो वो एक जो क्यूरियोसिटी होता है ना, उसके वजह से मेरा था कि मैं भी उसके अंदर जाऊंगी कहीं ना कहीं से। तो धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी, तब मुझे पता चला कि टेलीविजन्स क्या होता है, यहाँ पे कैसे क्या करते, तो धीरे धीरे वो तो था। मुझे याद है 2012 मैं ऐसे ही रास्ते से, कलकत्ते से ही, एक ऐसे ही रास्ते से मैं चल रही थी। पता होता ना कि एक होता है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हो ना, या फिर आपके दिल में कुछ होता है ना, तो ऑटोमेटिकली होता है, आज नहीं तो कल यूनिवर्स सोच सुन लेते वो चीज़ें, अगर आप उसके लेके ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग देखते कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को काम नहीं मिलता है। मैं ऐसे ही पैदल चल रही थी और मुझे ऐसे ही बुलाया किसी ने, अचानक मुझे बुला के बोल रहा, कोलकाता में, हाँ, तो अचानक मुझे बोला कि तुम ऐसे टेलीविजन में काम करोगे, और जिस सीरियल के टाइम में बात कर रहे हैं, हम लोगों का बंगाल में एक चैनल है स्टार का ही, बंगाली चैनल जिसको बोलते हैं स्टार जॉलशा, क्योंकि जैसे कि जी का बंगाली चैनल होता है, हिंदी चैनल होता है, वैसे स्टार का भी बहुत सारे चैनल है, तो स्टार का बंगाली चैनल था, बहुत बड़ी सीरियल थी जिससे मुझे चांस मिला, और ये मेरा मतलब इंडस्ट्री में आना। उसके बाद धीरे धीरे वहीं पे एक प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है एसके मूवीज़, जिसका मालिक है अशोक धानु का, अचानक मुझे बुलाया और बोला कि तुम भोजपुरी में काम करोगे, तो मैंने बोला सर मुझे ना लैंग्वेज आता है, और सही में थोड़ा होते ना कि एक चिंता कुछ अलग था भोजपुरी को लेकर, कि ज़्यादा वल्गरिटी होगा, फिर ज़्यादा वो पकड़ना ये वो ज़्यादा होता है, तो एक होता है कि ऐसा सोच था। तो जब लाल बहू पंडित फर्स्ट टाइम आए मिले, तो उन्होंने मुझे खेसारी जी के बारे में कहा, बहुत सारे वीडियोस देखा, होता है ना कि आप जिस इंडस्ट्री से हो उसी के बारे में ज़्यादा पता होता है, जिस इंडस्ट्री में नहीं हो ज़्यादा पता नहीं होता है। तो फिर खेसारी जी का ठीक है गाना तो हम सुन लेते थे, पर देखा नहीं हमने, तो अचानक सब कुछ दिखाया उन्होंने, तब जाके मुझे थोड़ा लगा कि ठीक है मैं कर पाऊँगी, और मेरा पहला काम शुरू हुआ कुली नंबर वन। मुझे आज भी याद है फर्स्ट डे शूट था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, भोजपुरी बोलना सबसे वेरी बात है कि हम लोग जैसे मैसेज में बात करते हैं लिख के, वैसे ही मैंने भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसको अपने बंगाली में लिख लिया, और लिखने के बाद वो डायलॉग आज भी मैं वही करती हूँ देखा जाए तो। और ऐसे ही मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री में आना, बाकी मेरा लक है कि आफ्टर मैं कुली नंबर वन में सेकेंड हीरोइन थी, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म एक साजिश जाल से मुझे मेन लीड में मिल गया, मेरा एक्टिंग देख के, काम को मतलब अच्छा है देख के ऐसे, तो ऐसे ही मेरा भोजपुरी में भी शुरू हो गया। कितनी लैंग्वेज में काम कर चुकी हूँ? मैं लैंग्वेज में काम कर चुकी हूँ तीनों लैंग्वेज, एक देखा जाए तो बंगाली में करती हूँ, एक हिंदी मेरा रिलीज हुआ है राज नंदिनी नाम के, उसमें, और भोजपुरी। हिंदी में भोजपुरी मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा आज की डेट में मतलब क्या, भोजपुरी को लेके आपका थॉट क्या है, पहले कुछ और था, क्या है आपका थॉट? जो मैं बात कह रही थी कि वो जो सोच था मेरा, जो लोग नहीं जानते, वो जो सोच था, इनफैक्ट और भी बहुत सारे हीरोइन हैं जो लोग बंगाल से है अभी भोजपुरी में काम कर रहे, उन लोगों से भी मिलने के बाद सेम सोच उन लोगों का भी था, और अभी चेंज हो गया कि भोजपुरी को सोचते ही लोग ऐसे अलग सोच लग जाते कि नहीं ये है वो है, पर
अभी जो भोजपुरी और पहला वाला जो भोजपुरी था बहुत डिफरेंट है। देखा जाए तो अभी हॉल में भी लड़कियां जाते हैं देखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी हो चाहे बंगाली हो, जब भी हॉल में रिलीज होता था सब लोग जाके देखते थे, पर भोजपुरी में हमने भी देखा और सुना भी कि लड़के लोग ही ज़्यादा जाते हैं। जो अभी जितना भी फिल्म आ रहा है सब लड़की लोग जाके देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। घर के घर संभालने वाली जो भी है सबको लगता है कि चलो काम करने के बाद थोड़ा हम भी देखें, ये जो चेंज हुआ ना ये बहुत बड़ी बात है भोजपुरी के लिए। लास्टली फरिश्ते अब आपकी फिल्म आ रही है थिएटर में, अब आएगी तो ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चाहने वालों से? मैं तो ऑडियंस से ये ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके आपने खेसारी जी को प्यार दिया है, जिस तरीके से मेगाश्री को प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने लाल बाबू पंडित जी को प्यार दिया अपना डायरेक्टर, उसी तरीके से मुझे भी प्यार दीजिए। फरिश्ते जब रिलीज होगा देखिए, सामने मेरा गाना भी रिलीज़ हो रहा है देखिए, और बहुत बहुत आशाएं हैं और आप लोगों का सपोर्ट है चाहिए, बस उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।